हेलो एवरीवन, आप सभी को आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल, आसान और डिलीशियस ये मटर की रेसिपी। तो इसे जब आप एक बार तैयार करेंगे, सभी खाकर आपकी तारीफ ही करेंगे और ये रियली बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और इसे कभी भी किसी भी टाइम आप इसे चाय के साथ इंजॉय भी कर सकती हो। तो इसे तैयार करना भी बहुत ही आसान है, तो बिना झंझट के झटपट तैयार कर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने आटा ले लिया 3 कप, और आप चाहे तो उसके साथ मैदा भी ले सकती हो। तो उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और ये हम काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ ताकि इसकी स्वाद और भी बहुत ही टेस्टी आए। कलंजी डाल दिया, और लास्ट में ये अजवाइन डाल दिया। तो इन सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो देखिए, हमने बहुत ही अच्छी तरह से ये सूखे इंग्रेडिएंट्स को मिला लिया। अब हम इसमें डाल देंगे तेल, तो ये वेजिटेबल तेल है। तो ये डालकर बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिला लेना है, यानी मयन देना है। तो मयन जितने अच्छी होंगे ये उतनी सॉफ्ट क्रिस्पी बनेंगे, और भी ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है ये सूजी। तो 3 कप आटे के लिए हम यहाँ पर 3 चम्मच सूजी डाल दिया, और बहुत ही अच्छी तरह से मिला रही हूँ। तो ये देखिए, मुट्ठी बांध रही हूँ, परफेक्ट मुट्ठी नहीं बन रहा है, इसके मयन परफेक्ट नहीं बने। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। तो टोटल हम 10 से 12 चम्मच के करीब तेल डाल दिया, और बहुत ही अच्छी तरह से फिर से मिला रही हूँ। तो देखिए, तेल डालने के बाद मिला दिया इसी तरह, और ये बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड भी हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मुट्ठी बन रहा है। अब हम तोड़ रही हूँ, तो देखिए क्रम्बल होकर नीचे गिर रही है। तो ये परफेक्ट मयन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और इसका एक हार्ड डो तैयार करेंगे, तभी ये बहुत ही क्रिस्पी और परतदार मठरी बन के तैयार होंगे। तो एक साथ आप पानी बिल्कुल भी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा कर डालिए। तो हम देखिए इसी तरह पानी डालकर मिलाकर इसी तरह गूंद रही हूँ। तो ये बहुत ही हार्ड डो बन के तैयार होंगे। तो 5 मिनट हमने गूंद लिया, और गूंदने के बाद इसे हम ढककर एक साइड में रेस्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि सूजी मिलाया हुआ है ये और भी हार्ड होंगे। रेस्ट में रखें 10 मिनट के लिए एक साइड में। तो जब तक ये रेस्ट में रहे, तब तक हम साटा तैयार कर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम 2 चम्मच आटा ले लिया। तो आटा से तैयार कर रही हूँ ये डो, हमने तैयार किया तो आटा से ही साटा भी हम तैयार करेंगे। आप चाहे तो मैदा, कॉर्नफ्लोर जो आपके पास अवेलेबल है उसी से साटा तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए, हमने तेल डालकर अच्छी तरह से मिला लिया, और ये परफेक्ट साटा बन के तैयार हुए। तो चम्मच से जब गिरा रही हूँ, देखिए रिबन की तरह ये गिर रहा है। तो ये परफेक्ट साटा बन के तैयार हुए। इसे एक साइड में रख देती हूँ, 10 मिनट भी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इन डो को सरफेस में ले लेंगे और इसके लोया काट लेंगे। और अब सभी को अच्छी तरह से दिख रहा है ये थोड़ा हार्ड डो बने, तो लोया काटते वक्त समझ आ रही है आप सभी को भी। तो इसी तरह हमने 8 लोया काट ले लिया, और इसका हम रोटी बेल लेंगे एक एक कर। तो बहुत ही पतला कर आपको रोटी बेलना है, जितना पतला होंगे उतनी ये परफेक्ट बनेंगे मटरी। तो इसी तरह हम देखिए पतला कर बेल कर ले लिया। तो सारे रोटी को हमें इसी तरह ही बेल लेना है। तो देखिए, हमने बेल कर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन रोटी के जो किनारों है इसे हम काट लेंगे, ताकि इसे परफेक्ट शेप में हम रोल कर सके। तो देखिए, साइड के किनारों हमने काट रही हूँ। तो इसी तरह हम सारे रोटी के किनारों को काट कर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो साटा तैयार किया वो साटा हम इन रोटी के ऊपर लगा लेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा डाल दिया, और इसी तरह सारे रोटी में हम स्प्रेड कर देंगे। तो उसके ऊपर एक रोटी रखेंगे, तो इसी में भी हम साटा लगा देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हम साटा लगा रही हूँ।
तो सारे साटा को हम बहुत ही अच्छी तरह से रोटी के ऊपर फैला दिया। फिर से एक रोटी रख दिया तो फिर से साटा लगाएंगे। तो इसी तरह हम चार रोटी को इकट्ठा करेंगे इसी तरह। तो देखिए और एक रोटी बिछा रही हूँ, तो चार रोटी हमने बिछा दिया और ऊपर भी हम इसी तरह साटा लगा रही हूँ। तो ऊपर के हिस्से में भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से साटा लगाया और उसके बाद हम बहुत ही अच्छी तरह से टाइट कर इसी तरह रोल कर रही हूँ। तो देखिए हमने रोल कर लिया और उसके किनारों में थोड़ा सा पानी लगाकर अच्छी तरह से फिर से इसी तरह घुमा घुमा कर रोल किया ताकि ये आपस में चिपक जाए। तो बाकी जो रोटी है उसके भी हम इसी तरह रोल किया और अब हम इसे काट लेंगे। तो देखिए छुरी के मदद से हम काट रही हूँ तो बहुत ही लेयर वाले ये लोइया बने। तो इसी तरह सारे हम काट लेंगे और आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, देखिए कितना लेयर वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बेल लेंगे बेलन से इसी तरह। तो बेलने के बाद भी इसकी लेयर अच्छी तरह से दिख रहा है। जब हम इसे फ्राई करेंगे इसके परतें बहुत ही अच्छी तरह से निखार कर आ जाएंगे। तो इसी तरह हम सारे मटर को बेल लेंगे। तो बेलने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप फ्राई कर इसे 1 से 1.5 महीने तक रख सकती हो बर्नी में भर कर, जब आपके मन चाहे तब आप इसे खा सकती हो, चाय के साथ इंजॉय कर सकती हो। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो हमने सारे मटर को प्लेट में निकाल लिया और इसे फ्राई करेंगे। तो तेल मीडियम गरम है। तो देखिए अब हम एक एक कर मटर डाल देंगे, जितना पैन में आएंगे उतनी ही हम डालेंगे। तो कढ़ाई में हमने 4 डाल दिया क्योंकि बड़ी साइज़ के हमने तैयार किया। और तेल में डालने के बाद तुरंत ये तेल के ऊपर आ गई और इसे हमें अलट पलट कर 4 से 5 मिनट के करीब फ्राई करना है। तो एक बेस को फ्राई करने के लिए समय लगेंगे 4 से 5 मिनट। तो हमने देखिए गोल्डन कर फ्राई कर ले लिया, अब हम इसे निकाल लिया। तो दूसरी बेस भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे, जितने आएंगे उतनी ही हम डाल देंगे कढ़ाई में। तो सारे हम इसी तरह फ्राई करेंगे अलट पलट कर। तो फ्लेम आप हमेशा मीडियम ही रखिए, हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो ऊपर जल्दी जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, अंदर कच्चा ही रह जाएंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम में आप जब फ्राई करेंगे तो अंदर बाहर दोनों साइड में ही ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और ज़्यादा दिन भी आप इसे स्टोर कर रख भी सकेंगे। तो देखिए इसी तरह बहुत ही लेयर वाला परते वाले जो कहे बनके तैयार हुए मटरी। तो अब हम इसे आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है और कितना परत निकल आई। इतनी आसानी से परतदार मटरी हमने तैयार कर आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की इजी इजी रेसिपी के साथ।